सिग्नेचर ब्रिज 675 मीटर लंबा केबल स्टेट ब्रिज है नॉर्थ दिल्ली में। ये दिल्ली का फर्स्ट केबल स्टेट ब्रिज है और इंडिया का फर्स्ट एसिमेट्रिकल केबल स्टेट ब्रिज है। ये यमुना रिवर के ऊपर बना है वजीराबाद में। आउटर रिंग रोड से शुरू होता है और NH9 पर ख़त्म। ये पुराने वजीराबाद ब्रिज के पैरेलल में बना है जो काफ़ी कंजस्टेड रहता था कम विड्थ होने की वजह से, इसलिए सिग्नेचर ब्रिज बनाने की ज़रूरत पड़ी। इसको 2004 में अनाउंस किया गया था लेकिन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से ये बीच में डिले हो गया। 6 साल डिले होने के बाद 1574 करोड़ रुपये सैंक्शन हुए ब्रिज के लिए। इसकी कंस्ट्रक्शन 2010 में स्टार्ट हुई और काफ़ी डेडलाइंस मिस करने के बाद आखिरी में यह 2018 में खुला, अनाउंस करने के 14 साल बाद। इसको बनाने में स्टील और कंक्रीट का उपयोग हुआ। कैंटिलीवर स्टाइल से बनाया गया है जिसका सारा वेट स्टील पायलन पर पड़ता है। इसकी लंबाई 675 मीटर है, चौड़ाई 35.2 मीटर है और ऊंचाई 165 मीटर है। इसका लॉन्गेस्ट स्पैन 251 मीटर लंबा है। स्टील पायलन का वेट 5,800 टन है। पायलन के ऊपर से 127 केबल्स ने नीचे डेक को पकड़ के रखा है। इसमें दोनों डायरेक्शन के लिए 3 लेंथ, 1 शोल्डर और पैदल यात्रियों के लिए पाथ बनाया गया है। आउटर रिंग रोड के साथ टी इंटरचेंज बनाता है जिससे नॉर्थ दिल्ली में ट्रैवल टाइम में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है। ये एसिमेट्रिकल केबल स्टेट ब्रिज है जिसमें दो टाइप की केबल्स होती हैं, मेन केबल्स और बैक स्टे केबल्स। पायलन की शेप बीच में से बेंट है ताकि फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ब्रिज का। ऐसे पायलन का वेट और उसकी शेप ही ब्रिज को आसानी से सपोर्ट कर सकती है। सिग्नेचर ब्रिज का पायलन सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर है दिल्ली में 165 मीटर के साथ। इसकी ऊंचाई दुगनी है कुतुब मीनार से। इसके टॉप पर व्यूइंग बॉक्स बना है जहां पर विजिटर्स ऊपर जाकर दिल्ली के नज़ारे देख सकते हैं। ऐसी और वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।